हॉकी जगत में भारत का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की मौजूदा पीढ़ी यहाँ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सैफ गेम्स तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रशंसनीय प्रदर्शन दिखाती चली आ रही है। वहाँ भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स जैसे खेल कुंभ में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर विश्व हॉकी इतिहास में सुनहरी पन्ने जोड़े हैं। भारतीय हॉकी आकाश के सितारों का जब जिक्र होता है तो जयपाल सिंह, रूप सिंह, एरिक पेनेगर, केडी सिंह बाबू, ऊधम सिंह, बलबीर सिंह सीनियर, कर्नल इक्तितार दारा, विजय पीटर, लेस्ली क्लॉडियस, शंकर लक्ष्मण, आरएस जेंटल, प्रतिपाल सिंह, अजीतपाल सिंह, कर्नल बलबीर सिंह, मोहम्मद शाहिद, सुरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह गर्चा, अशोक कुमार, सुरेंद्र सोढ़ी, परगट सिंह एवं धनराज पिल्ले का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। लेकिन कैप्टन ध्यानचंद हॉकी के इन सितारों में ध्रुव तारा बनके उभरते हैं। ध्यानचंद जी को भारतीय हॉकी का जन्मदाता माना जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त सन 1905 को अलाहाबाद के राजपूत घराने में हुआ। कुछ वर्षों बाद ये परिवार झांसी जा बसा और दादा ध्यानचंद ने बाकी का अधिकांश जीवन वहीं गुजारा। बचपन से ही ध्यानचंद जी को हॉकी से लगाव था। अपने छोटे भाई रूप सिंह और दूसरे साथियों के संग मोहल्ले की गलियों, घर की छतों और आसपास के ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर अपनी प्रिय खेल को खेलते रहे। मात्र 16 वर्ष की आयु में कैप्टन ध्यानचंद ने दिल्ली में एक सिपाही के तौर पर आर्मी में नौकरी शुरू की और वहां कड़ी मेहनत के साथ अपनी खेल को और निखारा। आखिर अप्रैल 1927 में वो पहली बार आर्मी की ओर से न्यूजीलैंड के दौरे पर गए और अपना खेल जादू दिखाना प्रारंभ किया। जब हिंदुस्तान की टीम गई न्यूजीलैंड खेलने के लिए तो एक लोकल टीम के साथ हिंदुस्तान की टीम खेल रही थी और फर्स्ट हाफ में कोई गोल न कर सकी, जो कि दर्शकों को बड़ी हैरानी थी। वजह उसकी ये थी कि घास बहुत बड़ी बड़ी थी, जैसा दादा ध्यानचंद ने अपनी किताब में गोल में लिखा है, तो बॉल को पास करना, एक दूसरे को देना बहुत मुश्किल था। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी न्यूजीलैंड में माओरीज़ की, वो लोग भी काफ़ी संख्या में मैच देखने आए थे और उन्होंने कुछ जादू टोना सा भी कर रखा था, जो पहले ज़माने में ये बहुत रिवाज था कई मुल्कों में। तो दादा ध्यानचंद रूप सिंह को जादू टोना की तो ना कोई नहीं परवाह थी, लेकिन घास की ज़्यादा परवाह थी। और फर्स्ट हाफ के बाद दादा ध्यानचंद और रूप सिंह ने ये बात की कि हम लोग को क्या करना चाहिए, एक गोल भी नहीं हुआ है, घास बहुत बड़ी है, कैसे खेलना चाहिए। तो दादा ध्यानचंद ने अपने भाई रूप सिंह से कहा कि हम लोग बॉल ऊपर ऊपर खेलेंगे, बॉल को ज़मीन पे ना ही आने दें। और ऐसे ही हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने किया, 5 गोल मारा उन्होंने लोकल टीम के खिलाफ सेकेंड हाफ में और न्यूजीलैंड के लोग आश्चर्यजनक हो गए। 1928 में दादा ध्यानचंद एम्स्टर्डम में पहली ओलंपिक्स खेले और स्वर्ण पदक जीता। लॉस एंजलिस में हुई 1932 की ओलंपिक्स में अमेरिका के होम ग्राउंड पर यूएसए को 24-1 से पराजित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2 मार्च 1934 को वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने, जिसने वेस्टर्न एशियाटिक गेम्स में भाग लिया। अप्रैल 1935 में जब उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो भारत की टीम, जिसने कुल मिलाकर 584 गोल किए, उनमें से ध्यानचंद जी ने 201 गोल किए और उनके भाई रूप सिंह ने 185 गोल किए। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में भारतीय टीम ने उनके नेतृत्व में जर्मनी को फाइनल्स में करारी हार दी और हिटलर देखते रह गए। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी ने लगभग 30 वर्ष तक भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक खेल खेला। जब फाइनल खेला हिंदुस्तान जर्मनी से हॉकी में, तो हिंदुस्तान ने शिकस्त दी जर्मनी को और हिटलर साहब जो मैच देख रहे थे वो ये बात न देख सके। और उस दिन से हिटलर के दिमाग में ये बात आई कि मेरा ऐसा मानना कि वाइट एक सुपीरियर रेस है वो गलत है और बिल्कुल गलत है। तो वो इतने खुश हुए हिंदुस्तान की हॉकी टीम के खेल देख करके कि उन्होंने ध्यानचंद साहब और पूरी टीम को खाने पर बुलाया, उन्होंने न्योता दिया, हिंदुस्तान की टीम गई। और मैंने जब यहाँ पर ध्यानचंद साहब थे एनआईएस में आए वो, तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी एडोल्फ हिटलर से क्या बात हुई जब आप उनके आमने सामने थे।
तो वो हंस करके बोले, उन्होंने कहा कि बात तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उसके आँख में आँख डाल करके देख भी नहीं सकता था, इतना खौफ था उनके चेहरे पर। तो मैं बहुत हंसा और वो खुद भी हंसे। आई हैव नोन ध्यान चंद, मेजर ध्यान चंद आई विल कॉल, फॉर अबाउट 45 years एंड फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स, फ्रॉम वेरी क्लोज नियरनेस विद हिम एज ए प्लेयर, एज ए कोच, एज ए सेलेक्टर ऑफ नेशनल हॉकी टीम्स एंड देन अल्टीमेटली एज ए फ्रेंड। माई अप्रेजल अबाउट मिस्टर ध्यानचंद इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, एक्सलेंट ह्यूमन बींग। ही वॉज a very simple person in his lifestyle. There was no ostentation about him, nothing. He was not foppish. And then, because these qualities are normally not found in people who are recognized as heroes in a country, because of these qualities he became more popular, not only among the people of his own generation but even the youngsters, even the older people who were senior to him in age. He was a very lovable man as a human being. I had never known him thinking of harming anybody, never. And he never lost temper on the ground and off the ground, never. He played against very tough European teams. He played against very tough American teams in those days. But he never lost temper and he never tried to hit anybody. Therefore, bad hockey, as he used to call, playing foul is bad hockey, he always avoided and taught others and guided others to play fair hockey, because hockey should be very fair, and if one was trying to hit somebody, hockey is a weapon. And it will hurt somebody, it will injure somebody, it will make somebody incapable of playing in future. This was a great merit. वर्ष 1961 नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में भारतीय खेलों में नया अध्याय जोड़ने जा रहा था। इसी वर्ष इस आकर्षक स्थल पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न खेल अनुशासनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए डिप्लोमा कोर्सेज का शुभारंभ हुआ। एनआईएस पटियाला में इन कोर्सेज का उद्देश्य ये था कि हमारे कोचेज साइंटिफिक तरीके से शिक्षा ग्रहण करें और बाद में भारतीय खिलाड़ियों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए जोरदार ढंग से तैयार करें। इस कार्य के लिए भारत सरकार ने विदेशों से निपुण कोचेज को नियुक्त किया। हॉकी के लिए कोच किसको लगाया जाए, ये एक प्रश्न था। जब ये डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए गए तो विदेशी कोचेज की सेवाएं जो थी वो हमने ली, पर हॉकी में क्योंकि देश की सुप्रीमेसी पहले ही मानी जा चुकी थी तो ये तय हुआ कि हॉकी के लिए एक ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी को जो कि काफ़ी तजर्बा रखता हो और विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुका हो, उसको कोच के रूप में यहाँ इन कोर्सेज को करवाने के लिए लिया जाए। तो उस समय दादा ध्यानचंद जी से बढ़कर कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसको इस कार्य के लिए चुना जाए। तो दादा ध्यानचंद जी को उस समय पहले ही वर्ष में इस संस्थान में चीफ हॉकी कोच के तौर पे रखा गया और उनके साथ ओलंपियन बालकिशन सिंह जी, जिनके नाम से आप भली भांति परिचित हैं और जो कि 1980 में ओलंपिक गेम्स में भारतीय हॉकी टीम के कोच थे, उनको दादा ध्यानचंद जी के साथ अंडरस्टडी एज असिस्टेंट कोच उनको भी रखा गया। आई वॉज वेरी लकी टू बी विद दादा ध्यानचंद फॉर मैनी ईयर्स एज इज अंडरस्टडी असिस्टेंट कोच एट एन एस पटियाला। तो यही वो ग्राउंड है जहाँ पे हमने ये दरख्तों के नीचे ये सारे जो हैं ये ग्राउंड, इनफैक्ट ये ग्राउंड हमने अपने हाथों से बनाई थी। पहले यहाँ पे एक छोटी सी ग्राउंड उधर होती थी, स्टार्ट विद 61 में तो शुरू ही हुआ था और 62 में तकरीबन हमने ये ग्राउंड अपने हाथों से बनाई थी।
और हमने बहुत टाइम यहाँ पे निकाला है, तो पूरा सारा दिन ही हम तो यहीं निकालते थे। तो उनके साथ रह के खैर सीखना तो है ही, बिकॉज़ यू हम लोग क्या बच्चों को सभी को जिसने कुछ सीखना है तो यू नीड ए रोल मॉडल, तो दादा वाज एज ए रोल मॉडल फॉर एवरीवन, एज ए कोच, एज ए पर्सन, एज ए मैन। तो सबसे पहले तो मैं दादा का जो मैं समझता हूँ कि वो जो थे वो ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन हॉकी। अब इंडियन हॉकी, हम इंडियन हॉकी क्यों कहते हैं, सभी कहते हैं कि इंडियन हॉकी है ये है, तो हम इंडियन हॉकी इसको क्यों कहते हैं, हम ब्रिटिश हॉकी क्यों नहीं कहते या जर्मन हॉकी क्यों नहीं कहते। इंडियन हॉकी ये जो थी इसमें ये स्किलफुल हॉकी है, अभी भी लोग पाकिस्तान हॉकी नहीं कहते, वही पुरानी इंडियन हॉकी सब याद है सबको, और वो है हमारा स्टाइल ऑफ प्ले विच इज़ डिफरेंट दैन द यूरोपियन स्टाइल ऑफ प्ले। देयर स्टाइल इज़ हिटिंग एंड रनिंग, आवर स्टाइल इज़ मोर बेस्ड ऑन स्किल्स, बेस्ड ऑन द मास्टरी ऑफ स्किल्स, एक्चुअली दैट इज़ द राइट वर्ड आई शुड यूज़। तो दादा जो थे वो इंडियन हॉकी के मैं समझता हूँ कि फादर थे, क्योंकि उन्हीं से एक्चुअली जो सारी स्किल्स वो हुए, रूप सिंह हुए उनके ब्रदर, इन्हीं से ये इंडियन हॉकी की स्किल्स जो हैं वो डिवेल्प हुई हैं। और उसके पहले हॉकी खेली जाती थी लेकिन उस लेवल तक नहीं, और अपनी जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है जैसे मान लीजिए तो ये भी उसी ज़माने में बनी थी। 1926 में हमारी आर्मी टीम पहली न्यूजीलैंड गई थी, और न्यूजीलैंड की सक्सेस के बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन 1927 में बनी, और 1928 में हमारी पहली ओलंपिक टीम गई थी एम्स्टरडैम, और वहाँ से हमने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद भी गोल्ड मेडल हमने जीता। लेकिन ये जो 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 इंडियन हॉकी जिसको हम स्किल्स कहते हैं वो ये लोगों ने डेवलप की। दादा ध्यानचंद दुनिया के सर्वोत्तम सेंटर फॉरवर्ड थे, उनके हाथ में हॉकी स्टिक जादू की छड़ी का रूप धारण करती थी। उनकी खेल शैली में कला कौशल, साहस और पूर्वाभास का अनूठा संगम था। He was always known that he had an eye at the back because he could see the whole field. And you know that I analyzed later what really it is, you know, when working with him as a coach, I analyzed that before the ball comes to you, you should know where to pass the ball. That means you should study the surroundings before the ball comes to you, otherwise it's too late. You know, you must know where the opponents are before the ball comes to you, where the opponents are, where your players are. Only then when you get the ball, you can pass it. Otherwise, when you have the ball, you have no time to look where to pass the ball. So that is what he really meant by third eye. Yeah, I analyzed it later and made it a theory. जिस वक्त मैं अपने स्कूल में पढ़ता था लाहौर, तो सुना करते थे कि सर ध्यानचंद जी ओलंपिक खिलाड़ी थे और उनको जादूगर कहा जाता था, तो हम भी मान जाते थे भाई हाँ वाकई शायद जादूगर ही होंगे। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, हॉकी सर्कल में आए, तो कॉलेज में चले गए, तो फिर उनके दर्शन भी हुए, और खुशकिस्मती ये है कि 1946 में मैं उनके साथ बगल में रहते थे, हम मेरे ब्रदर और वो दोनों साथ साथ उनके बंगले थे फिरोजपुर कैंट में, तो उनसे मुलाकात वहाँ पे हुई, उनकी खेल भी देखी, उनके साथ भी खेले, और लकीली वो मेरे कोच भी रहे हैं NAS पटियाले में, जबकि मैं कोर्स करने गया था कोचिंग का, तो वो मेरे कोच थे, नहायत आदमी इज्जत वाले, और रिस्पेक्ट दूसरों के वो करते थे, ख़ुद भी करवाते थे। एंड वो जो मैंने देखा सिखलाई करते वक्त, उनका रिस्ट वर्क जो था, रिस्ट बहुत चौड़ी थी, और इसी तरह से उनकी कोई जब वो स्टिक हॉकी खेलते थे तो उनकी स्टिक नहीं होती थी, वो रिस्ट से ज़ोर लगाते थे। और उनका एक मुद्दा ये था कि गेम में उन्होंने सेंटर लाइन से लेकर 25 लाइन तक अगले की ग्राउंड में उन्होंने बॉल को कैरी नहीं करना, सिर्फ टच करके लेफ्ट राइट या राइट आउट या लेफ्ट आउट को फेंक देना है, और 25 लाइन के पहुँच कर फिर उनकी हॉकी में ऐसे जादू था जैसे कि कहा जाता है, वो कंट्रोल करके खुद गोल कर देते थे। उन्होंने एक एक मैच में 10-10 गोल भी किए हैं।
when he played in America, they thought probably in Germany also, they thought probably there was some magic in his hockey stick. And they even changed his sticks. So that didn't matter much for Dhyan Chand was concerned. Any stick was as good for him as the one with which he was playing. So he was a magic man, like Don Bradman in cricket. Dhyan Chand was the same in hockey. Like Pillay in football, he was the same in hockey. इस महानतम भारतीय हॉकी खिलाड़ी को चोटी के खेल प्रशिक्षक होने का जहां गर्व प्राप्त है, वहां वो ओलंपियन अशोक कुमार के पिता भी थे। विश्व विख्यात इस हॉकी जादूगर की याद जहां खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की धड़कन से जुड़ी है, वहां उनकी प्रतिमा को भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थलों में सजाया गया है। उनकी यादों को संग्रहालयों में उच्च स्थान दिया गया है। एनआईएस पटियाला में उनके नाम पर खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल भी बनाया गया है। यह इंस्टीट्यूट जो है, इसको दादा ध्यानचंद पे बहुत गर्व है कि वो पहले कोच इस संस्थान में रहे, और इस तरीके से इस हॉस्टल का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया सन 1976 में, और 1977 में अगस्त में यह हॉस्टल जो है वो कंप्लीट हो गया। तब हमने फिर दादा ध्यानचंद जी को यहाँ आमंत्रित किया कि इस शुभ अवसर पर, जबकि उनके नाम से इस हॉस्टल का उद्घाटन होना है, तो वो भी इस समय यहाँ मौजूद रहें और बच्चों को आशीर्वाद दें। तब 29 अगस्त 1977 को उनके 72वें जन्मदिन पर इस हॉस्टल का उद्घाटन उनकी मौजूदगी में किया गया। यह इस संस्थान के लिए बड़े गर्व की बात थी। क्यों ना हो गर्व ऐसे भारत के महान सपूत पर। हॉकी वाज इन हिज ब्लड, हॉकी वाज इन हिज थॉट, हॉकी वाज इन हिज एक्शन। उनके बाद मेरे ख्याल में या मेरे दिमाग के मुताबिक इतना अच्छा सेंटर फॉरवर्ड नहीं पैदा हो सका। ही वाज वेरी सेटिस्फाइड मैन, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी कभी। मतलब प्रॉब्लमें होती हैं, सभी को होती हैं, बट ही नेवर शोड इट एंड ही लिव्ड हिज लाइफ टू द फुल। जैसे वो कहते हैं कि हम दादा रात को खाना खाया, उसके बाद उन्होंने बिलियर्ड भी खेलना है, फिर आके सोएंगे। आई मीन दैट टाइप ऑफ, अर्ली मॉर्निंग उठे, चार बजे फिशिंग के लिए चले गए संडे को। तो ही एन्जॉयड लाइफ, ही एन्जॉयड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड अकॉर्डिंग टू मी ही वाज अ वेरी ग्रेट सोल एंड अ ग्रेट पर्सन। हॉकी जगत की इस महान विभूति को, उनकी खेल निष्ठा को, उनकी प्रशंसनीय खेल शैली को, एवं हॉकी जादूगर दादा ध्यानचंद द्वारा भारत के लिए रचे गौरवमयी इतिहास को पूरा भारत नमन करता है।